कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। देखिए हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमें कॉन्सेप्ट बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कैलकुलेट करना है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशंस लिखो। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशंस क्या होगी, लिखते जाए मेरे साथ। बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेशंस, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिग्मा एंड पाई, बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो बहुत आसानी से हम बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं किन्हीं भी दो एटम के अंदर। आज आप खुद आसानी से बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बताना आपके लिए बहुत आसान बात हो रही है। बताइए यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, वन। तो बताया बाकायदा लिखना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर फॉर कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन। यहाँ पर कितना है, वन। यहाँ कितना देखने को मिल रहा है आपको, टू। और यहाँ कितना देखने को मिल रहा है, तीन। तो ये हमारे लिए बॉन्ड ऑर्डर बताना बहुत आसान है। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम कुछ मॉलिक्यूल में तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, तो कैलकुलेशंस हम उनमें करें जो थोड़ा टिपिकल है। तो हेडिंग क्या रहेगा, कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स की तरह लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर इन डाई एटॉमिक स्पीशीज, डाई एटॉमिक स्पीशीज। बॉन्ड ऑर्डर इन डाई एटॉमिक स्पीशीज, जैसे डाई एटॉमिक कौन हो सकता है, N2, O2, CO, H2। इन डाई एटॉमिक स्पीशीज कैन कैलकुलेट बाय VPT थ्योरी से भी बता सकते हैं और MOT थ्योरी से भी बता सकते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जिससे आसानी से बता सकते हैं, हम बताने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? लेकिन दिक्कत कब आ रही है, जब रेजोनेंस है। बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। MOT थ्योरी और VBT थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप मेरे नोट्स देख सकते हैं, वहां आपने बिल्कुल अच्छे से किया है। MOT थ्योरी में जैसे N2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना था, डायरेक्टली एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल करना चाहते हैं यहाँ पर तो कर सकते हैं। N2 में कितना था, 3। N2 प्लस में कितना था, 2.5। और N2 माइनस में कितना था, 2.5। तो ये MOT थ्योरी से आपने कर रखा है, जो आपने MOT थ्योरी पढ़ रखी है। तो लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर के लिए मेरा ही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, और वो ये टोटल बॉन्ड इन रेजोनेंस पार्ट, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल सिग्मा बॉन्ड इन रेजोनेंस पार्ट। जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब इसके लिए हमारे को सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है और कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है कि कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो कुछ एग्जांपल आपका इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके इन एग्जांपल्स को करते हैं हम। फर्स्ट बेंजीन, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड में रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, हाँ। टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको उस पार्ट में जहाँ रेजोनेंस है, ये पूरा रेजोनेंस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बॉन्ड है, 6 सिग्मा और 3 पाई। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं,
नो, और सिग्मा कितने, 6, तो 6, 9/6 कितना हुआ, 3/2, यानी 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। कितना आसान है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, कार्बोनेट। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, जल्दी से बताइए। टोटल बॉन्ड कितने हैं यहां पर, 1, 2, 3, 4, तो कितना हुआ, 4 डिवाइडेड बाय 3, 1.33। इजी है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, क्या यहां पर रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 3/2, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन 1, 2, 3 है, इसको मत देखना, ये कार्बन कार्बन है, उसी पार्ट को देखना है जहां पर रेजोनेंस देखने को मिले, सही है। तो 3/2 यानी यहां पर कितना रहेगा, 1.5। तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जैसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां रेजोनेंस नहीं है, वहां तो डायरेक्ट ही बता सकते हो। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए, नंबर वन एग्जांपल, 2, 3। कुछ और एग्जांपल, 4। हमसे ये कहा जा रहा है ओजोन, ओजोन कुछ इस तरह का होता है, यहां प्लस यहां माइनस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कितना होगा, इस जगह कितने बॉन्ड है टोटल, 3, रेजोनेंस है ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो यह रेजोनेंस है, तो 1, 2, 3, 3/2 आसानी से निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर यहां पर। एग्जाम्पल 5, ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जहां आप कर सकते हैं, ये है आपके पास नाइट्रेट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड कितना होगा, 3/2, 1, 2, 3/4/3, 1, 2, 3, 4, 4/3, 3 सिग्मा है, 4 टोटल बॉन्ड हो गए, आप आराम से कर सकते हो। एक और एग्जांपल, इन सब में हम आराम से देख सकते हैं। तो कुछ अच्छा सा एग्जांपल आपके पास आते जा रहे हैं, एंड डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, मैंने यहां पर कुछ भी ले लिया CH3, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 3/2, क्योंकि रेजोनेंस सिर्फ इस वाले पार्ट में, सही है। तो 3/2 देखने को मिल रहा है, तो कितना हुआ, ये भी 1.5, 6 नंबर का एग्जांपल। तो आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत आसान है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बस टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल सिग्मा बॉन्ड्स आप देख सकते हैं। कोई डाउट, अच्छे से क्लियर हो गया ये टॉपिक। तो कार्बन ऑक्सीजन ज्यादातर, या कार्बन कार्बन, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इन सब में इसका बहुत यूज है। लिखें इसको।